नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिंह फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं नए एक सैटेलाइट की, जहां आप 2 फीट की डिश पे आराम से आसानी से टीवी चैनल देख सकते हैं। कई लोगों के सवाल उठ रहे होंगे, क्या उसमें स्पोर्ट चैनल मिलेंगे, क्या उसमें कार्टून चैनल मिलेंगे, क्या उसमें हिंदी चैनल मिलेंगे, क्या उसमें बॉलीवुड चैनल मिलेंगे, क्या उसमें विदेशी चैनल मिलेंगे। सभी सवालों का मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा और पूरा लाइव सेटअप से आपको बताऊँगा, पूरा लाइव आपको स्कैन करके बताऊँगा कि 1-2 फीट की डिश पे आप आराम से आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तभी दोस्तों आप इस सैटेलाइट को सेट करने की कोशिश करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप इस सैटेलाइट को सेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस सैटेलाइट को सेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी यहाँ 5-6 दिन लगे हैं इसकी सिग्नल सेटिंग करने में। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि ये पहले मैं यहाँ 2 फीट की डिश पे बहुत अच्छा कवरेज था, लेकिन यहाँ बीच में चला गया था, 6 फीट पर भी बहुत कम कवरेज मिलता था। लेकिन आज मुझे कल बहुत कोशिश करी, अचानक वो सैटेलाइट मुझे मिल चुका है और मिलने के बाद में जो चैनल मुझे चाहिए थे वो चैनल उस पर आ चुके हैं। तो जैसे आप भी, कई लोग सवाल करेंगे कि वतन एचडी चैनल कहाँ शिफ्ट हो गया, तो वो भी दोस्तों उसी सैटेलाइट पर शिफ्ट हो गया और 2 फीट की डिश पे आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर पूरा वीडियो अगर आप देखो तो इस सैटेलाइट को सेट करना, नहीं तो मत करना। सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देता जाऊंगा। कई लोग पूछेंगे कि अब फला जगह कवरेज है, कवरेज मैप कैसे देखें, कौन सी टीपी से सेट होगा, क्या इसे हम सेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या क्या इसमें कार्टून चैनल देखेंगे। सब कुछ देखोगे इसमें, सारे चैनल है, हॉलीवुड चैनल है, कार्टून चैनल है, स्पोर्ट चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल है। बात करते हैं विदेशी चैनल का, यही सैटेलाइट है, यानी अपना विदेशी चैनल देखने वाला सैटेलाइट यहाँ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होगी। अगर दोस्तों आपके कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझे कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो वो भी कमेंट करो, अगर आपको नहीं लग रहा तो वो भी कमेंट करो। तो यहाँ सभी सामान मेरे पास है, तो मैं यहाँ एक कांटे वाला मीटर निकाल रहा हूँ। कांटे वाले मीटर से आपको क्या करना है, इसी मीटर से आपको जो बाहर की जो सैटेलाइट है वही ये कांटे वाला मीटर ही आपको बता सकता है। और इसे हम यहाँ LMB इन पे कनेक्ट कर देंगे, ये LMB इन लिखा हुआ। तो कभी भी अगर आपको कोई भी सैटेलाइट सेट करना है तो आपको केवल कांटे वाले मीटर से ही करना, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट फाइंडर लेके बैठोगे तो आपका नहीं होगा। दूसरा केबल हम यहाँ एक ही रिसीवर पे लगा देंगे जो हमारे रिसीवर से कनेक्ट होगा। ये देखिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ, और ये पोजिशन आपको रखनी है। अब ये मेरे पास MPG4 सेटअप बॉक्स है, MPG4 सेटअप बॉक्स के पीछे यहाँ रिसीवर में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पूरी सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ, और इसी तरह से अगर आप सेटअप करोगे तो आपका कोई भी चैनल नहीं रहेगा, सारे चैनल यहाँ आपको अपडेट हो जाएंगे। यहाँ HCAP के लिए ये केबल लगा रहा हूँ, अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर लाइव करके दिखा रहा हूँ। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि आपको DD फीडर से डिस्क को कितना घुमाना है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है, और ये एडाप्टर का वायर मैं यहाँ लगा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा लाइव सेटअप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। इस तरह आपको कोई नहीं लाइव सेटअप करके दिखाएगा। तो यहाँ एडाप्टर का मैंने वायर लगा चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ जो HCAP है, ये HCAP के लिए मैं अभी मोबाइल कनेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले जो लाइट की पावर है उसे मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये लाइट की पावर कनेक्ट कर ली है, और ये डिश ऑलरेडी मैंने पहले जो सेटअप करके रख रहा था, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप भी करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो मोबाइल है उसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको अभी पूरा सेटअप करके दिखा रहा हूँ। तो कभी भी आपको मोबाइल पे कनेक्ट करना है तो आपको नेट बंद कर देना है, रोटेट करना है, फुल स्क्रीन करना है, और इसे HCAP में आपको मैंने वीडियो डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पर, इसे कनेक्ट करने का वीडियो भी आप देख सकते हो। वहाँ आप पूरा सेटअप इसके बारे में समझ जाओगे कि HCAP क्या है और इसे हम कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए पूरा सेटअप है, जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये देखिए लगाने के बाद में मेरा जो HCAP है ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल ले लेगा, और मोबाइल लेने के बाद में दोस्तों जो चैनल है वो हमें यहाँ मिल पाएंगे। और देखिए सभी केबल मैंने यहाँ HCAP पे लगाए हैं, और HCAP पे लगाने के बाद में सारे चैनल हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब मैं आपको जो डिस्क की सेटिंग है वो करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको डिस्क की सेटिंग करनी है और कौन सा ये सैटेलाइट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम छत पे आ चुके हैं, और छत पे आने के बाद में ये हमारे पास 2 फीट का डिश एंटीना है, और इसी डिश एंटीना पे आपको हम सैटेलाइट दिखाएंगे।
तो यहाँ जो एलएमबी का जो पोजीशन होगा, हम इस तरह से एलएमबी का स्क्रू एंगल कर लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, तो ये हमारा एक एयरटेल का एलएमबी है, और इसी एलएमबी का जो अगर स्क्रू एंगल देखना चाहे तो अगर अपन इस साइड घुमाएं तो हमारा जो एयरटेल के अप्रोक्स होगा, तो यहाँ उल्टी साइड में हम घुमाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा जो विदेशी सेटेलाइट देखने के लिए स्क्रू एंगल प्लस में चलता है, तो यहाँ प्लस में करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो ये सैटेलाइट है, यासेट का सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट को सेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है 11865 वाली फ्रीक्वेंसी, आप नोट कर लीजिए, और पॉलिटी आपका वी रहेगा और सिंबल रेट रहेगा 27500, ये फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो ये सैटेलाइट है 52.5 ईस्ट है, यानी यासेट का जो सैटेलाइट है, और इसका जो कवरेज है अभी बहुत अच्छा कवरेज है, और इसे सेट करने के लिए आपको 2 फीट की डिस्ट से लेकर 6 फीट की डिस्ट तक आप सेटिंग कर सकते हैं। मैन होता है कवरेज के ऊपर, अगर आपका कवरेज है तभी दोस्तों ये सैटेलाइट सेट होगा, लेकिन नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अभी जो प्रजेंट की बात करते हैं कि यहाँ मेरे पहले जयपुर राजस्थान में 2 फीट की डिस्ट पर भी यहाँ कवरेज नहीं था, चैनल भी आपको मुझे कम मिल रहे थे, लेकिन अभी जो इसका कवरेज कुछ बड़ा है, तो आप 2 फीट की डिस्प्ले ट्राई कर सकते हो सकते हैं आपके यहाँ चैनल आपको मिल जाए, क्योंकि मुझे पहले 2 फीट की डिस्प्ले बहुत कम चैनल मिलते थे, और यहाँ मुझे बहुत सारे चैनल मिले हैं। चैनल लिस्ट में आपको स्कैन करके बताऊंगा कि कितने चैनल मुझे यहाँ लाइव मिल पाए हैं। और इसे सेटिंग करने के लिए जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आपका 52.5 ईस्ट है, और आप इधर चलोगे तो 40 ईस्ट आ जाएगा। तो यहाँ सिग्नल सेटिंग की बात करते हैं, तो हमारा जो डिस एंटीना है यहाँ सेट पर इस जगह रहेगा, और यहाँ यहाँ सेट के बाद में अगर थोड़ा सा ये डिस्क इधर घुमाएंगे तो हमारा सेस 8 आ जाएगा, जहां सेस 8 के चैनल आपको स्कैन होंगे। तो थोड़ी सी गलती आप मत करना, क्योंकि यहां ये जो सैटेलाइट है बिल्कुल ही हल्के हाथों से आप डिस्क की सिग्नल सेटिंग करें, क्योंकि यहां जल्दीबाजी करोगे तो आपके सैटेलाइट नहीं आएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट अभी आपको मिल सकता है क्योंकि इसका कवरेज बहुत अच्छा है। अब मैं आपको जो डीडी फीड्स की सिग्नल सेटिंग है वो दिखा देता हूँ, डीडी फीड्स कहाँ से सेटअप होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमें जो इस यासेट सेट करने के लिए यहाँ एक मार्किंग कर देता हूँ इंची टेप से, ये देखिए। तो यहाँ मार्किंग करेंगे तो हमें पता रहेगा यहाँ डीडी फीड्स है, तो ये देखिए यहाँ मैं पूरी मार्किंग कर देता हूँ, और इस मार्किंग से मुझे यहाँ पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने मार्किंग कर दी है, और यहाँ डीडी फीड्स है, ये देखिए डीडी फीड्स, यानी डीडी लिख देता हूँ मैं, यहाँ डीडी फीड्स है, और डीडी फीड से यहाँ सेट के लिए हमारा डिस एंटीना कितना घूमेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आपको रखना है। तो यहाँ पूरा आप नज़र रखिए, और थोड़ा सा मैं इस जगह कर देता हूँ इस कैमरे को, क्योंकि डिस्क को हम घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिस्क को आपको घुमाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ, अब यहाँ जो ये देखिए, अब ये जैसे ही मैंने डिस्क को घुमाया तो बीप की आवाज़ आपको कम हो गई, यानी मीटर की सुई डाउन हो चुकी है, और मीटर की सुई डाउन होते ही हमारा यहाँ कोई सैटेलाइट नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे डिस्क को घुमाते जाओ, और फिर यहाँ मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी घुमा देता हूँ कैमरे को। यहाँ पूरा प्रॉपर आप सेटअप पूरा देखोगे तो यही सेटिंग का खेल है, इसी सेटिंग के खेल पर आपको ध्यान रखना होगा। अब ये देखिए, अब आप मीटर की सुई की तरफ नोट करिए कि कैसे मीटर की सुई आवाज़ आएगी। अब ये देखिए, मैं यहाँ जो धीरे धीरे सेटअप कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ सेटअप कर रहा हूँ, ये देखिए इस जगह में ट्राई करता हूँ, ये देखिए बहुत बारीक सैटेलाइट है, और यहाँ मुझे थोड़ा सा मीटर की बीप की आवाज़ मिली है, तो मैं एक बार चैनल देख लेता हूँ, फिर मैं आपको कन्फर्म ओके करके बताता हूँ। तो यहाँ हमारा डिस एंटीना प्रॉपर सेटअप हो चुका है, हमें यहाँ यासेट के सिग्नल मिल चुके हैं। अब यह देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी दूरी पे मुझे यहाँ डिस को खिसकाना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ मार्किंग करी थी, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से हम चलेंगे इस जगह से, और यहाँ से देखिए, और इस जगह ये मार्किंग है ये वाली, और इसी मार्किंग को यहाँ हम नोट कर लेते हैं, सीधी एक मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए ये मार्किंग, यहाँ से ये मार्किंग को यहाँ नोट कर लेते हैं, ये सीधी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये जो मार्किंग से मार्किंग चली है, तो हमारा फिक्स 1.25 इंच चला, एक इंच के अप्रोक्स, ये देखिए इतना, 1 इंच से थोड़ा सा कम आपको घुमाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा मोबाइल नीचा कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको यानी इतना आपको घुमाना पड़ेगा। अगर यह सेट आपको सेट करना है तो डीडी फीड से आपको इतना घुमाना पड़ेगा, और जो डिस्को डाउन करना है यानी आपको नीचा करना है डाउन, तो आप यहाँ डाउन देख लीजिए कितना डिस डाउन होगा। ये यहाँ जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर का जो गैप है, आप यहाँ जो गैप नोट कर लीजिए।
तो यहाँ देखिए दोस्तों, डाउन की बात करते हैं तो आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ डाउन करना डेढ़ी फीट से, तो डेढ़ी फीट से 10 सेंटीमीटर डाउन होगा तो यहाँ आपका यह सेट जो सेटेलाइट है बाउंडमेंट 5 इंच, तो यहाँ सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह से सेटिंग करें। अब चैनल लिस्ट देखें, तो चलिए दोस्तों मैं आपको चैनल लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ मेनू का बटन दबाएंगे और सारे चैनल हम डिलीट कर देंगे। ये पूरा वीडियो देखते जाइए, पूरा सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ चैनल डिलीट हो चुके हैं, अब हमारे पास अभी एक भी चैनल यहाँ प्रेजेंट में नहीं है, पूरे चैनल डिलीट है। फिर मेनू दबाने के बाद में आपको यहाँ सेटेलाइट लिस्ट में आना है। सेटेलाइट लिस्ट में आने के बाद में यहाँ कोई सा भी एक सेटेलाइट को आप ओके कर दो। जब मैं डी डी फीड्स पर ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद में यहाँ मैं आसमानी कलर का बटन दबाऊँगा और यहाँ प्रेस मोड पर ब्लाइंड कर दूंगा, FTN 9 रखूंगा और सर्च का बटन दबा दूंगा। अब ये देखिए, सर्च करने के बाद में जो चैनल मुझे यहाँ DD उसके यहाँ सेट के मिलेंगे वो ये सभी चैनल यहाँ मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखो, पूरी चैनल लिस्ट मैं आपको यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह से आपको लाइव कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही पूरा रियल वीडियो बन रहा है और रियल वीडियो बना के ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ जो मैंने आपको TP बताई है, वही TP सबसे पहले स्कैन होगा, उसी TP पे अगर आप करना चाहो तो उसी से करो। लेकिन जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अगर आपको ये सेटेलाइट सेट करना है तो आप ओनली कांटे वाले मीटर से ही सेटअप करके देखें, तो कांटे वाले मीटर से ये सेटेलाइट बहुत जल्दी सिग्नल आपको मिल पाएंगे। तो ये देखिए, अभी मुझे कुछ भी चैनल नहीं मिल पाया है और जल्द ही मुझे चैनल मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो यहाँ आप देखो, एक भी जगह मैंने यहाँ वीडियो को स्किप नहीं किया है और पूरा लाइव आपको दिखाया। तो यहाँ अभी देख लो, इतनी देर में अभी एक भी चैनल मुझे नहीं मिला, लेकिन इस सेटेलाइट पे जो चैनल स्कैन होंगे एक साथ स्कैन होंगे। तो यहाँ वीडियो आप देखते जाइए, अभी देखिए यहाँ जो चैनल मुझे मिल रहे हैं, धड़ाधड़ मुझे चैनल मिल रहे हैं। देखिए पूरे चैनल हमें यहाँ मिल पाते हैं। इसमें दोस्तों आपको सभी प्रकार के चैनल मिलेंगे अगर आप इस सेटेलाइट को सेट करते हो, देखते हो। ये देखिए, ये एक विदेशी सेटेलाइट है और यहाँ हमें बहुत अच्छे चैनल मिल पाते हैं। तो ये देखिए, बहुत जल्दी हमें 94 चैनल मिल चुके हैं, लेकिन अभी और चैनल बाकी हैं स्कैनिंग के। कुछ जगह जहां इसका ज़्यादा कवरेज है वहां आपको यहां ज़्यादा चैनल मिलेंगे, कुछ जगह कवरेज कम है तो कम चैनल मिलेंगे। बात करते हैं वतन HD चैनल की, तो ये हो सकता है वो चैनल भी यहाँ आपको स्कैन हो जाए। लेकिन इस सेटेलाइट को अगर आप बड़ी डिश पे वो ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा चैनल मिलेंगे। ये देखिए, वतन HD जो चैनल है मुझे यहाँ मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छा एक सेटेलाइट है। तो यहाँ जो मुझे 100 चैनल मिल पाते हैं, और मॉर्निंग में यहाँ 100 चैनल मिलेंगे, और अगर मैं शाम को इस सेटेलाइट को सेट करता हूँ तो मुझे यहाँ 110 चैनल मिल पाते हैं, और वो 110 चैनल भी मुझे आसानी से मिल पाते हैं। और ये देखिए, यहाँ जो 100 चैनल मुझे स्कैन हुए हैं, 2 फीट की डिस्प्ले स्कैन हुए हैं, ओके का बटन दबाऊँगा तो यहाँ जो चैनल है वो आप देख सकते हो, सभी चैनल यहाँ चल पाते हैं। अभी देखिए, चैनल लिस्ट में आगे कॉपीराइट इशू होने के कारण नहीं दिखा पा रहा, लेकिन यहाँ जो वतन HD चैनल की बात करते हैं तो ये आपका वतन HD चैनल यहाँ पूरा लाइव चल रहा है। देखिए, पूरा लाइव वतन HD चैनल चल रहा है। तो यहाँ जो बात करते हैं तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, अगर आपको वतन HD चैनल की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो ये फ्रिक्वेंसी आप वतन HD चैनल की फ्रिक्वेंसी यहाँ नोट कर लीजिए। ये वतन HD चैनल की फ्रिक्वेंसी है और इस फ्रिक्वेंसी पे आपको अच्छे सिग्नल मिल पाते हैं, 78% सिग्नल मिल पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये पूरी कंप्लीट सेटिंग आपको दिखाई है। तो यहाँ मेरा सेटअप आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ चैनल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे चैनल आपको मिल पाते हैं, और मैं जल्द ही कोशिश करूँगा एक बड़ी डिश पर आपको इस सेटेलाइट को सेट करके सबसे ज़्यादा चैनल दिखाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ लीजिए।